नागौर के कुचामन सिटी में मारोड थाना इलाके में एक नाबालिग से गैंगरेप मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई मामला दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर की गई है। जानकारी के मुताबिक नाबालिग स्कूली छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला मारोट थाने में दर्ज हुआ था। पीड़िता के पिता ने दो नामजद लोगों पर आरोप लगाया था कि वे नाबालिग बेटी को बाइक पर बैठा कर ले गए और जोबनेर में एक स्टूडियो में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। बाद में आरोपियों ने पीड़िता को धमकी भी दी, जिस पर यह कार्रवाई की गई। मारोट थाने में पीड़िता के फादर ने एक रिपोर्ट दी कि मेरी 10वीं क्लास में अध्ययनरत छात्रा गांव से और मिंडा गांव की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने जा रही थी। रास्ते में दो बच्चों लड़कों ने उसको मोटरसाइकिल पे ये कहे कि हम आपको स्कूल छोड़ देते हैं बैठा लिया, जिनमें एक उसी के गांव का था और एक जोबनेर का लड़का था। दोनों आरोपियों नामजद हैं, जिनमें से जोबनेर के ओम प्रकाश को हमने गिरफ्तार कर लिया है और टीम गठित कर रखी है। अन्य आरोपी को भी जल्द से जल्द दस्तियाब करने के प्रयास किए जा रहे हैं और कड़ी से जा दिलाएं।